अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक सेंटेंसेज एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलें आज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3y² - 1 - 4y + 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3y² - 3, ठीक है, फिर -4y प्लस माइनस माइनस और 4 1 सा 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर ये 3y² इसी तरह से रहेगा, फिर यहाँ पर माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4y इसी तरह, और यहाँ पर माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया 3y² - 4y - 7। अब a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू -7। तो फॉर्मूला लगाएंगे y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो -b में आ जाएगा माइनस का 4, बाहर माइनस इसी तरह से रहेगा, दरमियान में प्लस माइनस का साइन, फिर b² यानी कि 4 - 4² -4, a में है 3, c में है -7 अपॉन 2a, 2 और a, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, यहाँ पर स्क्वायर रूट में हो गया 4 4 = 16 माइनस, अब अंदर 7 के साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 84, ठीक है, अपॉन 2 3 = 6। तो ये हो गया 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ गया हमारे पास, दोनों को प्लस किया 100/6। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 100 का क्या होता है 10/6। तो यहाँ पर ये y इज इक्वल टू एक बार प्लस में यानी कि 4 + 10/6 और y इज इक्वल टू 4 - 10/6, सो 14/6 और 6/6, ठीक है, माइनस का। तो यहाँ पर है 2 3 = 6, 2 7 = 14, 6 1 = 6, 6 1 = 6। सो सोल्यूशन सेट क्या बना हमारा 7/3 और -1 आंसर। तो आई होप कि आज के लेक्चर आपको अच्छे समझ आया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।